अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राशिद रशीद है। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर एंड आल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट सरागा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची एट जे रोड। हमारे बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट, हमारे शोबे में जो सबसे कॉमन मोडेलिटी यूज़ होती है वो है अल्ट्रासाउंड। तो मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज़ हो रही है आजकल, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं बात करना चाहता हूँ अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बेसिकली इसमें अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं। अल्ट्रा इसको इसलिए कहते हैं कि ये साउंड वेव्स आपको आम इंसान को सुनाई नहीं देती, तो डैट्स वाई दिस इज़ द अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव होने की वजह से ये नॉन आयनिक रेडिएशन है। अल्ट्रासाउंड यानी कि मोस्ट सेफेस्ट मोडेलिटी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू द रेडियोलॉजी। इसमें बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, जिस तरह बाकी मोडेलिटी हैं, एक्सरे हैं, सीटी हैं, तो सीडीसी की और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक्सरे इस वक्त कार्सोजेनिक कंसीडर होते हैं। तो इसके हवाले से देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव, इजीली अवेलेबल एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मोडेलिटी है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन, प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाली मोडेलिटी अल्ट्रासाउंड ही अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हम हर किस्म की बीमारी तशखीस कर जाते हैं। बाहर के ममालिक में इसको एज ए स्क्रीनिंग टूल भी यूज़ किया जाता है। लोग अपना एनुअली अल्ट्रासाउंड पेट, पूरे पेट का, प्रोस्टेट का, फीमेल में छाती का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रासाउंड किस किस जगह को हो सकता है। अल्ट्रासाउंड आप आई से लेकर एंकल जॉइंट तक, यानी कि सर से लेकर नीचे पाँव तक आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसमें आपकी आँखों का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है, खून की शरियानों का, गर्दन की शरियानों का, बाजू की शरियानों का, और इवन के आजकल जॉइंट्स का भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। आपके घुटनों का और जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं उनका अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। और ये इसमें इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा हाई है। तीसरी बात मैं इसमें करना चाहूँगा, हमारे यहाँ कुछ मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में, कि मरीज आता है वो कहता है जी कि मैंने जी रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रंगीन अल्ट्रासाउंड कोई डिफरेंट अल्ट्रासाउंड नहीं है, ये आम अल्ट्रासाउंड ही होता है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आप मरीज़ की खून की नालियों में जो शरियाने हैं उसमें खून का बहाव देख सकते हैं, तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है अल्ट्रासाउंड से। यानी कि ये रंगीन अल्ट्रासाउंड कोई रंगीन टीवी की तरह नहीं है, ये आम ही अल्ट्रासाउंड है। इसमें ओवर एज सिर्फ ये होता है कि आपके खून की जो शरियाने हैं उसमें अंदर जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह है, कोई ब्लॉकेज है, वो दे सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी में जो यानी कि खून का, माँ से बच्चे की तरफ खून का बहाव है, उसको हम देखते हैं। और तीसरी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास मरीज आते हैं कि पेन, अब्डोमन का पेन है, हियर एब्डोमिनल पेन, अपर अब्डोमन का पेन है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कर दे मैदे का। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि मैदा अल्ट्रासाउंड में नहीं आता। डॉक्टर इसलिए एडवाइस कर देते हैं अल्ट्रासाउंड के, उसमें देखना होता है कि गॉल ब्लैडर आपका पित्ता और लबलबा, अगर वो देखना होता है उसमें बीमारी तो नहीं, अगर वो ठीक है तो कंसीडर यही किया जाता है कि इसको मैदे का मसला है। तो लेकिन मरीज़ फिर भी कहता है डॉक्टर साहब मैदे में की है, मैदे में देखे क्या है। तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैदा अल्ट्रासाउंड में नहीं आता यूजली, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर इवन दो उसमें कोई बहुत बड़ी कोई ट्यूमर रसौली बन जाए या उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएं, फिर वो अल्ट्रासाउंड में आता है, अमूमन अल्ट्रासाउंड में मैदा नहीं आता। और लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मोडेलिटी बड़ी तेज़ी से एडवांस होती जा रही है। पहले लोग फिज़िकली एग्जामिन करके मरीज़ को देखते थे कि इसकी रसौली है वो कितनी स्टिफ है, हार्ड है, नरम है, पानी वाली है, वो अब सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देखते हैं। अब नई मोडेलिटी आई है इलास्टोग्राफी, उसमें आप कोई भी ट्यूमर है, कोई भी रसौली है, उसमें आप उसकी स्टिफनेस बताते हैं कि ये कितना हार्ड है, ये कितनी इसकी स्टिफनेस है, इसकी कितनी इलास्टिसिटी है। उससे हमें काफ़ी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये रसौली आम रसौली है
जो मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और या ये वो सहूलियत जो कैंसर बन सकती है।